गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना रूम बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ ना, मेरी लाइफ का सबसे ही मतलब ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आई जस्ट वांटेड यू गाइज टू नो मेक श्योर कि आप लोग अपने दरवाजे बंद कर लें, अपने कर्टन्स चेक कर लें और बेड के नीचे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो पीछे क्या है। Hey, what's up you guys and welcome back to my channel. So, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा है, ये वीडियो थोड़ा सा ऐसे स्पूकी होने वाला है. और इस टाइम जब मैं ये शूट कर रही हूँ, रात का 1 बज रहा है और मुझे ना खुद ही ऐसे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि भाई मैं सीरियसली एक नंबर की डरपोक हूँ. मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मैं कोई हॉरर मूवी देख के आती हूँ ना, तो मैं पूरी रात मतलब सो नहीं पाती, या फिर मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रहती हूँ. और अकेले तो मैं बिल्कुल ही नहीं सो सकती, मतलब मैं एक नंबर की डरपोक हूँ. तो मैं आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बट हाँ, प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई सब कुछ ना अच्छे से चेक वेक कर लेना. हाँ, कर्टन के पीछे तो कोई नहीं है, या फिर यू नो बेड के नीचे तो कोई नहीं है. और मेरे साथ यूजुअली पता क्या होता है, जब भी मैं कोई हॉरर मूवी देख करके आती हूँ ना, तो जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यू नो दूसरी तरफ देखूँगी तो कोई खड़ा होगा मेरे साइड में, या मेरा कोई मुझे देख ही रहा होगा. तो मेरे साथ तो ये बहुत होता है, और जब तक तो मैं देख नहीं लूँगी ना, तब तक तो मुझे शांति नहीं मिलती. यूजुअली मतलब मूवीज में हम लोग देखते हैं ना कि किसी को आवाज़ आ रही है बाहर से, तो वो लड़की पता नहीं क्या होता है उस बंदी को, वो इतनी बेवकूफ़ होती है कि वो देखने चली जाएगी. मतलब कोई आवाज़ आ रही है, कोई उसका नाम ले रहा है पीछे से, तो उसके पीछे पीछे चली जाएगी. हम लोग हमेशा कहते हैं अभी पागल है, क्यों जा रही है भाई, तेरे को पता है वहाँ पर कुछ है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे भी कुछ ऐसा मतलब ऐसी आवाज़ या कुछ मेरे को ऐसा फील होता है ना, तो भाई जब तक मैं चेक नहीं कर लूँगी मुझे चैन ही नहीं आता. मतलब मुझे देखना है कि वहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, अदरवाइज़ मैं पूरी रात नहीं सो सकती. तो भाई मैं उन्हीं लड़कियों में से हूँ. आई थिंक अगर ऐसी कोई मूवी होगी ना, और मैं मतलब मूवी की तरह, जैसे नहीं होता कि जो बहुत डरपोक होता है वो सबसे पहले मरता है, तो भाई मैं उन्हीं लोगों में से हूँ. मैं पक्का अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा ना, अगर मैं किसी हवेली में चली गई ग्रुप के साथ, तो मैं एक नंबर की डरपोक होने वाली हूँ, और सबसे पहले मैं ही मारी जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतनी डरती हूँ. ऑलराइट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और मेरी पहली स्टोरी के साथ, ठीक है. तो आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है या नहीं करी है लाइफ में. मैंने मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ में 2 बार मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर मतलब मेरी लिटरली हालत ख़राब हुई है कि भाई यहाँ से भाग लो, या मतलब यहाँ पक्का कुछ ना कुछ है. तो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज आई थिंक इन क्लास 12th के आसपास की बात है. तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ पे क्या था कि मेरा जो रूम था वो बिल्कुल लास्ट में था, ठीक है. और उस रूम की जो बालकनी थी या फिर जो विंडो थी, वो सारे अपार्टमेंट्स का ना ऐसे बैक साइड था वहाँ पे, और उसके पीछे था एक पार्क. तो अगर मैं अपने पीछे वाले रूम की यू नो बालकनी के बाहर जाऊँगी तो एक पार्क होता था. और पता नहीं मतलब हमेशा से ना वो ऐसा डरावना सा ही पार्क था, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लंबी घासें उग चुकी थी, वहाँ बच्चे खेलने नहीं जाते थे. इनफैक्ट वहाँ कोई झूला वूला गया कुछ भी नहीं झूलने जाते थे बच्चे. तो वो ऐसे ना सुनसान पड़ा रहता था पार्क, तो वैसे ही रात में तो वैसे ही मतलब डरावना लगता था मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा. तो उस दिन क्या हुआ कि मैं मतलब रात को पढ़ रही थी, मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रही थी. तो मेरी आदत थी कि मैं मतलब दिन में थोड़ा आराम करती थी, मैं रात को पढ़ती थी, क्योंकि सब कुछ शांत होता है. तो मुझे याद है कि मैं मतलब मैं पढ़ रही हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन ना मेरे को ऐसे आवाज़ आ रही है, छन छन छन. आई नो दिस इज़ टू मेन स्ट्रीम की छन 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 की आवाज़ आ रही है तुम्हें, बट ये भाई मेरे साथ एक्चुअली हुआ है, ठीक है. तो वो जो पार्क था ना, तो उसमें ऐसे वॉक करने के लिए ट्रैक था. तो मेरे को ना मतलब जैसे यहाँ से ऐसे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा जो रूम है वो यहाँ पे है, ठीक है. और मेरे को ना मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि समबडी इज़ यू नो वॉकिंग, कोई पार्क में घूम रहा है. रात की 2:30 के आसपास की बात है. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, कई बार होता है मतलब किसी को नींद नहीं आ रही होगी, तो कोई भी बंदी होगी भाई बाहर चली गई होगी. बट आई वॉज़ वेरी फ्यूरियस टू नो कि भाई रात को मतलब ऐसे पाजेब वाजेब पहन के कौन घूमता है ना. तो मैंने कहा चल छोड़, मैंने एक दिन के लिए ना मतलब ऐसे अवॉइड किया कि भाई होगा कोई, किसी को नींद नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं. तो मैं उस दिन अपना पढ़ाई वढ़ाई करके मैं आराम से सो गई. नेक्स्ट डे क्या हुआ कि फिर से ना सेम चीज़ वो हुई. मैं पढ़ रही हूँ और सेम टाइम पे वो 2:30 से 3 बजे के बीच में ना मुझे फिर से आवाज़ आई. और वो आवाज़ पता कैसी थी, मतलब जैसे मेरा रूम यहाँ है और यहाँ पे ऐसा ट्रैक शुरू हो रहा है ना, तो आप मतलब आई कुड फील कि समबडी इज़ वॉकिंग. तो जब वो यहाँ पे है ट्रैक के, ठीक है, तो वहाँ पे आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ तेज़ की, छन छन छन, मतलब बहुत तेज़ वॉल्यूम में. और जैसे कोई बंदा जैसे वॉक करता है तो दूर दूर चला जाता है,
तो दूर जाते टाइम उसकी आवाज़ थोड़ी फेड हो रही थी, बट देन मतलब लाइक समबडी इज़ वॉकिंग। अब भाई मेरी हो गई हालत ख़राब कि भाई एक दिन, क्योंकि मैंने दो दिन नोटिस किया और तीसरे दिन मेरी मतलब बहुत अच्छी तरीके से ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी हालत एक्चुअली नहीं थी कि मैं रात को 2:30-3 बजे ना ऐसे बाहर जाकर के देखूं बालकनी में कि भाई कोई है या नहीं है। तो मैं आवाज़ सुन रही हूँ कॉन्स्टेंटली, एक राउंड हो गया, दो राउंड हो गए, जैसे जैसे कोई बंदा मतलब वो जो भी था या जो भी थी वो जैसे जैसे यहाँ पर आ रही थी ना तो आवाज़ तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फेड हो रही है। मैंने ना मम्मी को बुलाया, मतलब मैं इतनी डर गई, मम्मी सो रही थी, मैं मम्मी को स्पेशली रात को 2:30 बजे उठा के लाई हूँ कि मम्मी आप चलो मेरे को डर लग रहा है, मतलब मुझे ना कुछ आवाज़ आ रही है। अब मम्मी आई रूम में, मम्मी ने कहा कहाँ आवाज़ आ रही है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा 2 मिनट आप शांत रहो, थोड़ा चुप रहो ठीक है ना, और ध्यान से सुनो, आपको ऐसे आवाज़ आएगी कोई चल रहा है। मम्मी ने 1 मिनट वेट किया, 2 मिनट वेट किया, मम्मी को कोई आवाज़ नहीं आई। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि मेरे को कॉन्स्टेंटली आवाज़ आ रही है, मतलब मेरे को ना ऐसे बिल्कुल चुप होने की या फिर उन्हें ऐसे कॉन्सेंट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे को इतना क्लियरली सुनाई दे रहा था कि भाई somebody is walking in that park। और मेरे को और ज़्यादा डर क्या लग रहा है कि भाई मुझे सुनाई दे रहा है और मम्मी को नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी आपको आवाज़ सही में सुनाई नहीं दे रही, मतलब देखो अभी अभी यहाँ से कोई गया है और एकदम से ना ऐसे आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो मम्मी ने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ओ भाई साहब, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई ना कि भाई मैं मतलब मैं पूरी रात नहीं सोई ठीक है। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि तो बेटा एक काम कर तू मेरे साथ आगे सो जा, तुझे डर लग रहा है तो। मैं कहा नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं लाइट ऑन करके सो जाऊँगी, पर ना आप मतलब ऐसे जगे रहना, अगर मैंने मुझे कुछ हुआ ना तो भाई मैं आपको आवाज़ लगा लूँगी। तो ये मतलब ऐसा था, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मेरे को सीरियसली मतलब ऐसा लगा कि भाई यहाँ कुछ है ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, मतलब हम लोग सेम बिल्डिंग में रहते थे, तो मेरा घर जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे मेरी एक और फ्रेंड रहती थी। तो मैंने ना उसको पूछा, मतलब ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उसको बताया कि यार मेरे को ना ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। तो शी सेड कि भाई वो आवाज़ मुझे भी आ रही है एक दो दिन से। तो पहले तो मुझे लगा कि चल ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, इसका मतलब हो सकता है कि कुछ हो या मेरे को ही, मतलब ऐसी मैं अकेली नहीं हुई ना कि मेरे को ही आवाज़ आ रही है और किसी को नहीं आ रही। तो उसने मेरे को क्या कहती मेरे को भी आवाज़ आ रही है, और उसने भी ना सेम चीज़ करी, उसने भी अपनी मम्मी को बुलाया एंड एट द सेम टाइम उसकी मम्मी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। और भाई मतलब हमारी ऐसी हालत हो गई थी ना कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जो ये आवाज़ें सिर्फ हमको सुनाई दे रही है, मतलब बच्चों को सुनाई दे रही है, और पेरेंट्स को जब हम लोग बुलाते हैं ना या किसी बड़े को बुलाते हैं तो उनको वो आवाज़ ही नहीं आ रही है। ये पूरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब ये चला है मेरे साथ एटलीस्ट एक हफ्ता, एक हफ्ते तक मेरे साथ ये रोज़ होता था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ ख़त्म हो गई। और मतलब ये आज भी ना, मतलब इट हैज़ बीन लाइक 10 ईयर्स नाउ, 10-12 साल हो चुके हैं इस बात को, और मैं सोचती हूँ ना मतलब आई स्टिल गेट गोज बम्स और मेरे को रात को नींद आती है। और मैं अभी भी ये शूट कर रही हूँ ना, आई एम नॉट श्योर मैं रात को सोऊंगी कैसे, मुझे बहुत डर लगने वाला है, बट स्टिल आई रियली वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज कि भाई अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ हाँ मुझे बताओ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा यू नो हॉरर एक्सपीरियंस था कि मैंने कुछ फील किया कि भाई लाइक समथिंग इज़ आउट देयर ठीक है, कुछ है, बहुत ही क्रीपी सी चीज़ हो रही है मेरे साथ और मैं नहीं सो पाई। उसके बाद क्या हुआ है मेरे साथ कि ये एक चीज़ हो गई ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट हॉरर स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये बात है आई थिंक 2017 के आसपास की ठीक है। तब मैं जॉब करती थी नोएडा में, तो जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना वहाँ पे क्या था, मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पे था ठीक है। तो मतलब ऐसा ना यूजुअली मैंने बहुत लोगों से सुना था जो 10 साल से यू नो उस कंपनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं कि भाई यहाँ पे जो 4th फ्लोर का लेडीज़ वॉशरूम है इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइक इट्स अ हॉन्टेड प्लेस। मैंने कहा ठीक है भाई 10 साल पहले की बात है, कौन विश्वास करता है। और मेरे साथ क्या होता था कि तब मेरी शिफ्ट्स होती थी ठीक है, और मैं मतलब नाइट शिफ्ट में भी मैंने बहुत काम किया है वहाँ पे। तो यूजुअली क्या होता है ना, लड़कियाँ जब भी वॉशरूम यूज़ करने जाती है तो भाई वो पूरे झुंड में जाती है, अकेली तो कोई नहीं जाती। तो मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मैंने कहा चल ठीक है, और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट की बात है ठीक है,
हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी एक फ्रेंड थी पलक नाम था उसका, मतलब अभी भी है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, ठीक है, हमारा काम चल रहा है। तो रात के 2 बज रहे हैं, आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम, रात के 2 बज रहे हैं, और ऐसे ही ना हम सब बैठे कि चलो कुछ भूत की बात करते हैं कुछ है, और हम लोगों ने ना कुछ बातें करनी शुरू करी। तो हमारा एक फ्रेंड था, उसने हमको बताया कि गुड़गांव में एक BPO है सैफ्रॉन करके। तो ये जो स्टोरी है ना सैफ्रॉन BPO की, इतनी ज़्यादा फेमस है, अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब देर वॉज दिस गर्ल हु वॉज वर्किंग इन दैट यू नो BPO काफ़ी टाइम से, और ऑल ऑफ अ सडन उसको कोई कॉल आता है और फिर वो गायब हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि भाई वो बहुत पहले मर चुकी है। मतलब ये बात चल रही थी तो मुझे इतना कुछ विश्वास तो था नहीं इन चीज़ों पर, क्योंकि भाई मेरे साथ नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि पता नहीं हो सकता कुछ बात हो। तो आई फाउंड कि हमारे ही कंपनी में, लाइक मेरे ही ऑफिस में एक बंदा है जो सैफ्रॉन से यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। तो उसने भी हम लोगों को बताया कि हाँ मतलब वहाँ पे एक फ्लोर है और वो जो है उन्होंने लॉक कर रखा है, कि वहाँ पे मतलब लिफ्ट भी नहीं रुकती है, उसको वहाँ पे एक्सेस ही नहीं है। तो ये सारी बातें, ऐसे स्पूकी सी बात चल रही है रात के 2:30 बजे। अब हम लोगों ने बातें बातें कर ली, ठीक है, हम लोग पूरे डर के बैठ चुके हैं अच्छे से। तो 2:30-3 बजे के बीच में मैं उठी, मैंने कहा कि यार मैं वॉशरूम होकर के आती हूँ। मैंने कहा, मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा ठीक है तू चली जा, मैं आऊँ क्या साथ में। मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, चौके तू बैठ, मैं होके आती हूँ। अब भाई मैं गई हूँ वॉशरूम, ठीक है, तो वहाँ का जो वॉशरूम था वो कैसा था कि आप एंटर करो, ठीक है, बहुत बड़ा डोर था, एंड देन देयर वर फ्यू कंपार्टमेंट्स, ओके। तो मैं आई मतलब मेरे को इतने अच्छे से याद है ना ये चीज़ कि मैं अंदर गई हूँ एंड आई चेक्ड। मतलब मेरी यूजुअली की आदत होती है कि मैं देखती हूँ कि मतलब कोई है या कोई नहीं है, तो मतलब एक बार आपको पता चल जाता है ना कि वॉशरूम में कोई और है या कोई नहीं है। तो आई नो वहाँ पे कोई नहीं था, ठीक है। मैं अंदर गई हूँ वॉशरूम में और आई कुड फील कि मेरे साइड वाले लाइक जो वॉशरूम है वहाँ पे कोई है, ठीक है, जबकि मैंने थॉरली चेक किया था कि वहाँ कोई नहीं था। और जो मेन डोर है ना जहाँ से आप एंटर करते हो, वो बहुत तेज़ आवाज़ करता है जब भी वो खुलता है या बंद होता है, पर मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी कि कोई आया है या कोई गया है, बट आई कुड फील कि कोई साइड में है, ठीक है। और मैं फटाफट से मैं बाहर आई हूँ और यू नो जैसी मैं लैच खोलने वाली थी, ठीक है, अपने वॉशरूम का, जैसे मैंने लैच खोला है आई सेंस्ड कि भाई यहाँ से कोई निकला है बाहर। आई एम नॉट किडिंग, लाइक सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मैं हिल चुकी थी अपनी लाइफ में पहली बार। मतलब ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी चीज़ को ना ऐसे फेस टू फेस देख लिया, मतलब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो मैं बाहर आई हूँ और साइड जो बड़ा वाला डोर है, ठीक है, उसमें ना ऐसे आवाज़ आई है टक करके, जैसे किसी ने बहुत तेज़ के दरवाज़ा बंद किया है। एंड आई नो वहाँ कोई नहीं था, कोई आया नहीं था, कोई गया नहीं था, पर मुझे ना मतलब पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, मैं फटाफट से भागी वहाँ से, ठीक है, मैं वहाँ से लिटरली मैं भाग गई और मैं सीधा अपने OMC में पहुँची, अपने ऑफिस में पहुँची। और मैंने ना अपनी फ्रेंड को बताया कि भाई ये चीज़ हुई है, तो अकेले तो बिल्कुल मत चले जाना वहाँ पे, कोई भी जा रहा है और अभी 4-5 बज जाने दो, उसके बाद ही जाना, उससे पहले तो बिल्कुल मत जाना और अकेले तो बिल्कुल भी मत जाना। ओके, सो दिस थिंग हैपेंड। मैंने ये चीज़ें बताई, मैं एक दिन तो ऐसे मतलब ऐसे ना डर में बैठी रही कि भाई मैं नाइट शिफ्ट में कैसे जाऊँगी, क्या होगा ये वो, और मैंने कहा चल ठीक है, मैंने बहुत सोचा वोचा, पर मैं घर आकर के शांति से सो गई। नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि हम लोग फिर से ऑफिस में थे और पता नहीं क्या भाई, तो हमें 2:30 बजे ही वॉशरूम जाना होता था। तो मेरी जो फ्रेंड है पलक, जिसका मैंने आपको बताया ना, वो बंदी, उसने मेरे को बोला कि आयुषी मैं जा रही हूँ वॉशरूम और यहाँ पे ना मतलब तो एक बार मेरा सिस्टम देख लिया। मैंने कहा ठीक है। वो बंदी गई, 10 मिनट 5 मिनट के बाद वो वापस आई और डरी हुई, और भाई उसकी हालत ख़राब। मैंने कहा पलक आई यू ओके, लाइक आई यू फीलिंग फाइन, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कहती ब्रो वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहती यार आई मतलब लाइक आई डोंट नो वहाँ क्या हुआ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने मेरे को पता है क्या बताया कि अभी मैं वॉशरूम में गई थी, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मतलब शी फेल दी सेम थिंग,
वो अंदर गई है, वहाँ पे कोई नहीं था। उसने भी पूरा थॉरली ना ऐसे चेक किया था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में बहुत कम लोग होते हैं जो यू नो फ्लोर पे होते हैं, बहुत लिमिटेड स्टाफ होता था तब। तो वो बंदी ने मुझको बोला कि यार मैं गई हूँ, अंदर कोई भी नहीं था, एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंड कि हर जगह की ना लाइट चली गई है। और मेरे को पता था कि हाँ भाई हमारे पूरे फ्लोर की लाइट गई है फॉर लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आई मीन नॉट इवन फ्रैक्शन बट लाइक हाँ ऐसे 2-3 सेकेंड्स के लिए पावर कट हुआ और उसके बाद लाइट वापस आई है। तो जब पावर कट हुआ ना, तो वॉशरूम में क्या होता है ना वहाँ पे हमारे ऑफिसेज में, कि एक इमरजेंसी लाइट हमेशा होती है, तो अगर कंप्लीट डार्क कभी भी नहीं होता। उस दिन कंप्लीट डार्क था, वो इमरजेंसी लाइट भी नहीं जली वहाँ पे। और उसने क्या किया, जैसे लाइट गई उसने अपना फ़ोन निकाला टॉर्च ऑन करने के लिए, तो उसने अपना फ़ोन निकाला, उसका फ़ोन हैंग, वो मतलब उसका नया आईफोन था भाई, आईफोन यूजुअली हैंग नहीं करते हैं ठीक है। तो भाई उस बंदी का आईफोन हैंग हो गया, उसने चेक किया कि भाई मैं टॉर्च जला लूँ या फिर देखूँ, उसके फ़ोन का नेटवर्क गायब है, उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं है, उसके फ़ोन का मतलब वो टॉर्च भी नहीं चला पा रही, उसका पूरा फ़ोन हैंग है। 3 से 4 सेकेंड के बाद लाइट वापस आई है। उस बीच में जब वो लाइट गई ना, उसने मेरे को बताया कि त्यागी मुझे ऐसा लगा कि साइड वाले कंपार्टमेंट में कोई है, जबकि उसने भी चेक किया था कोई नहीं है। वो बंदी सहम चुकी थी बहुत ही गंदी तरह से, लाइक लिटरली मैं अभी ना मतलब मैं बता रही हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि यू नो आई एम री लिविंग ऑल दोज यू नो टाइम्स कि भाई ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ एक्चुअली। तो 4 सेकेंड के बाद लाइट वापस आई है ठीक है, और जैसी लाइट आई है ना उसका फ़ोन ठीक हो गया, उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया, और जैसे वो बाहर आई है ना बाहर कोई नहीं था। तो वो जो 4 सेकेंड थे ना कि भाई लाइट्स ऑफ, इमरजेंसी लाइट नहीं चल रही है, फ़ोन हैंग हो गया है, नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में, और 4 सेकेंड में सब कुछ ठीक भी हो गया, और उसने वो चीज़ फील भी करी कि भाई साइड वाले कंपार्टमेंट में कोई है, बट जैसे ही लाइट आई है वहाँ कोई नहीं था। तो वो बंदी भागती हुई वापस आई है डरी हुई, और उसने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई। तो हम लोगों ने उस दिन से सोच लिया था कि भाई हम इस टाइम के बीच में तो नहीं जा रहे हैं, और जैसे भी होगा हमारी शिफ्ट का आई थिंक 1 या 2 वीक बचे थे, हमने सोचा था भाई हम इस फ्लोर पे तो हम नहीं जाने वाले हैं किसी भी हालत में। तो ये मतलब ये 2 ऐसे इंस्टेंसेस थे मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे को ना ऐसे हिला के रख दिया था कि भाई क्या है। तो मैं मतलब मैं इस चीज़ को ना ऐसे नहीं कहूँगी कि भाई मतलब आपको विश्वास करना है आप करो ठीक है, क्योंकि मेरे मैं मतलब मैं तो विश्वास मैं बोलती भी नहीं कि भाई मैं विश्वास करती हूँ या नहीं करती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोल दिया ना कि मतलब ऐसे भूत होते हैं तो यू नो उनको लगेगा कि हाँ इसको तो पता है कि हम होते हैं तो इसके सामने आ ही जाओ, और अगर मैंने बोला कि भूत नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि वो ना कहीं ऐसे ऑफेंड ना हो जाए कि भाई ये मानती कैसे नहीं है, इसको तो हम आकर के दिखाएंगे सामने। तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलती कि भूत होते हैं या नहीं होते, आई ऑलवेज से कि हाँ ठीक है मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मैं इस चीज़ में कोई कॉमेंट नहीं करूँगी यू नो। तो मैं मतलब मेरा हमेशा से ऐसे रहा, मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे, एंड आई वुड लाइक कि अगर आप लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसा यू नो ऐसा स्केरी सा हुआ है, कुछ ऐसा स्पूकी सा हुआ है, तो आप लोग भी मुझे यू नो कमेंट्स में ये चीज़ें बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी अपनी स्टोरीज़ बताओ, अपनी स्टोरीज़ यू नो शेयर करो, ताकि मुझे भी लगे कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ जो मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे भी ना मतलब ऐसा डर नहीं लगेगा कि भाई मतलब आयुषी तू अकेली नहीं है ब्रो, और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसे हुए हैं। क्योंकि आई थिंक मैंने मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी हैं कॉलेज टाइम के यू नो, उन्होंने भी मुझे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई कुछ तो होगा ठीक है। शिट, मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दिया ना ये, और अब मुझे लग रहा है कि क्या बोला है मैंने, क्योंकि 1 बज रहा है, 1:15 हो चुका है और मैं क्या बातें कर रही हूँ। शिट मेरे को यार मैं रात को कैसे सोऊंगी, आई रियली डोंट नो। बट या मतलब आई मीन दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आप लोगों ने ये स्टोरीज इन्जॉय करी हो, और ध्यान रखिए ठीक है। मैं फिर से बोलूँगी कर्टेंस वगैरह चेक कर लेना, बेड के नीचे चेक कर लेना, और रात को सोते हुए ना करवट मत लेना भाई, क्योंकि अगर कोई हुआ तो पता नहीं, मेरे को तो भाई बहुत डर लगता है। दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अपनी स्टोरीज, अपने एक्सपीरियंसेस, and I'm gonna see you super soon in my next video. Till then, bye bye.